नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण अध्यायों के बारे में जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एसके स्टडी 2.0 के साथ। तो शुरू करते हैं महाद्वीप और महासागर छठा अध्याय पार्ट 5 की हमने बात कर ली थी, तो आज छठा अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है महाद्वीप और महासागर। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। महाद्वीप व महासागर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम प्रश्न आता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है, तो महाद्वीप हो जाएंगे 29% पर। ठीक है, 1 क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से कराऊंगा, इसको आप रट सकते हैं, आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट चाहे हो, पटवार, LDC, CET, RS, PSI, कॉन्स्टेबल, कोई सा भी एग्जाम हो, इनसे आप क्वेश्चन मिलेंगे, इनसे इन्हीं क्वेश्चनों से आपको मुलाकात होगी आपको एग्ज़ाम में। तो महाद्वीप और महासागर प्रथम प्रश्न आता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप हैं, तो वो हो जाएंगे 29%। पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है, तो वो 7 महाद्वीपों में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर हैं, तो वो हो जाएंगे 71% पर महासागर हैं। पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया है 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। 5वां प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो वो हो जाएगा 30% भाग पर फैला हुआ है। एशिया को अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है, तो वो स्वेज नहर तथा लाल सागर के द्वारा एशिया को अफ्रीका से अलग किया जाता है। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है, तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। एशिया के उत्तर में कौन सा स्थित है, तो वो हो जाएगा आर्कटिक महासागर। एशिया के दक्षिण में कौन सा स्थित महासागर है, तो वो हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिशा के हिसाब से कौन कौन से महासागर किस साइड स्थित है, ये याद रखना है। क्वेश्चन और ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको सुपरफास्ट तरीके से करा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, तो यूराल पर्वत व कैस्पियन सागर करता है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,848 मीटर। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, तो वो हो जाएगा मृत सागर, जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। ठीक है, विश्व का सबसे नीचा स्थान। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है, तो वो हो जाएगी 60%। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो हो जाएगा तिब्बत का पठार। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो पामीर का पठार होगा। ठीक है, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगत्सी क्यांग जो चीन में स्थित है, वो नदी हो जाएगी एशिया की सबसे लंबी नदी। किस महाद्वीप के बीच से होकर 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएँ गुजरती है, तो वो है अफ्रीका। जो तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएँ हैं वो अफ्रीका से गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो सहारा मरुस्थल हो जाएगा अफ्रीका का। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका का हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी नील नदी। ठीक है, नामीब व कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का भाग है, तो वो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का भाग है, नामीब व कालाहारी मरुस्थल। नील नदी का उद्भव किस जिले में से होता है, तो विक्टोरिया से होता है। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो हो जाएगी एटलस। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो किलिमंजारो जो है स्थान है वो सबसे ऊंचा स्थान है अफ्रीका का। उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट देनाली हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा गर्त कौन सा है, तो ग्रैंड कैनियन है। ठीक है, ग्रैंड कैनियन जो है वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वो हो जाएगी सुपीरियर झील। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में कौन सी झीलें शामिल है, तो वो हो जाएगी इरी, ऑन्टेरियो, मिशिगन, सुपियर व जुरन। ये जो भी हैं वो उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में की झीलें हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो हो जाएगी एंडीज, जो दक्षिण अमेरिका की है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो एकांकागुआ है। अफवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन इसकी सबसे बड़ी नदी है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो अटाकामा जो मरुस्थल है वो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो अमेजन के जो वन क्षेत्र है उन्हें धरती के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में पाए जाने वाले कॉफ़ी के बागान क्या कहलाते हैं, तो उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा सबसे पहले किसने की थी, तो वो की गई थी कैप्टन कुक के द्वारा 1773 में। अंटार्कटिका पर पहला कदम किसने रखा था, तो 1821 में जॉन डेविस ने रखा था। सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है,
तो अंटार्कटिका जो है वो सबसे ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही 1960 के। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप का जो महाद्वीप है वो विश्व का सबसे दूसरा छोटा महाद्वीप है। यूरोप व एशिया का संयुक्त भाग क्या कहलाता है? तो यूरेशिया कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी वोल्गा नदी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन जो सिटी है वो विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूहों के मिलने से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ओशनिया के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ग्रेट डिवाइन रिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध कहाँ से है? तो जो वह है ऑस्ट्रेलिया से इसका संबंध रखा जाता है मेरिनो भेड़ का। कालगुर्ली व कुलगार्डी क्या है? तो वह सोने की खदानों के नाम हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो मर्रे व डार्लिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार प्रशांत महासागर की आकृति है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना ट्रेंच जो है वो पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी लगभग लंबाई 11 किलोमीटर नीचे जमीन में है। प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक भूकंप व ज्वालामुखी पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो फायर रेंज कहा जाता है, अग्नि मेखला। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक जो महासागर है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? तो अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान अटलांटिक महासागर की आकृति है। एस के स्टडी के समान ही अटलांटिक महासागर की आकृति है एस के समान। डागर बैंक व ग्रांड बैंक अंटार्कटिका के किस प्रकार के क्षेत्र हैं? तो मछली पकड़ने के केंद्र हैं। कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर कंटकों के लिए जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है? तो मध्य अटलांटिक कटक जो है वो विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर जो सर्वाधिक ट्रांसपोर्ट होता है इसलिए सर्वाधिक व्यस्तम समुद्री जल मार्ग है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर जो है वो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट में तो आर्कटिक की आकृति किसके समान है? तो अंग्रेजी भाषा के अक्षर डी के समान है। आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है आर्कटिक को प्रशांत महासागर से। आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डेनमार्क जल संधि जो है वो आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरणीय प्रदेश के बारे में, तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा, 8 मिनट का पहले से ही हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये आपका क्विक रिवीजन था और आपने लास्ट तक एंड तक आपने इस वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।